अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन नहारी की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 300 ग्राम चिकन, 1.5 टेबल स्पून हरा मसाला, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 2 टी स्पून नहारी मसाला, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून भुना हुआ सौंफ पाउडर, नमक, ऑयल और 4 ग्लास पानी। मसाले की रेसिपी मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ। स्लो फ्लेम पे 3 टेबलस्पून ऑयल हमने गरम किया है। अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। अदरक लहसुन हरा मसाला डाला, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। अब ये ड्राई मसाले डालेंगे सारे। भूनेंगे थोड़ी देर तक। अब इसमें 4 ग्लास पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन निहारी के मसाले में भी नमक था। अब इसको स्लो फ्लेम पे चिकन बॉईल होने तक रख देंगे। अब ये निहारी की चिकन तैयार हो चुकी है। 3 ग्लास जितना पानी रहेगा इसमें। अब हम इसको बघार देंगे। बघार के लिए एक छोटी प्याज काटी है बारीक, 6 टेबलस्पून आटा, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून निहारी मसाला लिया है। 8 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम किया है। अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटे को थोड़ा सेकेंगे। ये भून लिया आटा इसमें प्याज के साथ। अब लाल मिर्च और निहारी मसाला डालेंगे। अब इसको निहारी में मिक्स कर देंगे। बघार देने के बाद निहारी को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब ये निहारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें लाल तरी लाने के लिए हम ऑयल में थोड़ा सा लाल मिर्च का बघार देंगे। ये ऑयल लिए थोड़ा सा फ्राई करके।
ये देखें लाल तरी आ गई पूरी। निहारी तैयार है। निहारी तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमने हरा धनिया, नींबू, हरी मिर्च, अदरक को बारीक काट लिया है। इसको निहारी में डालने से निहारी और लजीज हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।